हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स होते क्या हैं? बेसिकली एडवर्ब्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, या कुछ और एडवर्ब्स होते हैं सिमिलर एडवर्ब्स, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, जो वर्ड्स किसी नाउन की, किसी पर्सन की, किसी चीज़ की, किसी प्लेस की, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और वर्ब्स वर्ब क्रिया कहते हैं, जिस वर्ड से किसी काम के होने का पता चलता है उसे। तो ये एडवर्ब्स जो होते हैं, ये इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। Let's try to understand this with the help of an example. The climate is hot, right? तो यहाँ पर आप देखिए कि climate is quite hot. It's not hot, it's quite hot. तो hot जो है वो क्या है? वो एक adjective है, ठीक है ना। और जो क्वाइट वर्ड है, ये एडवर्ब है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हॉट के बारे में कि क्लाइमेट इज़ क्वाइट हॉट। ये एडिशनल वर्ड लगा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है, इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। द क्लाइमेट इज़ क्वाइट हॉट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को कि द क्लाइमेट इज़ हॉट, वो भी सही है। लेकिन जब हम बोलेंगे द क्लाइमेट इज़ क्वाइट हॉट, तो जो क्वाइट वर्ड है इसी को हम एडवर्ब कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा आसान है। ही रन्स क्विकली, वह तेज़ भागता है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही रन्स, वह भागता है, ये भी सही है। बट हमने इसके आगे लगा दिया क्विकली, रन्स के आगे लगा दिया है क्विकली। ये जो क्विकली है ये एडवर्ब है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है रन्स के बारे में कि वो भागता तो है, दैट इज़ फाइन, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें कि वो तेज़ भागता है, ही रन्स क्विकली। जैसा कि ये हमारी डेफिनेशन में फिट हो रहा है परफेक्टली। हमारी डेफिनेशन क्या थी? एडवर्ब्स जो होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब्स के बारे में, राइट? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ही रन्स, यहाँ तक ठीक है, रन्स रन वर्ब है। अब इस रन जो वर्ब है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है व्हेन दिस वर्ड क्विकली इज यूज्ड, ठीक है। ही रन्स इज फाइन, रन्स क्विकली मतलब कि वह तेज भागता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर क्लियर ना हुआ हो तो। जेम्स कैन डांस वेल, यानी कि जेम्स अच्छा डांस करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस को, जेम्स कैन डांस, ये सही है। पर जब हमने वेल लगा दिया तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जेम्स अच्छा डांस करता है। तो ये जो वेल है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है डांस के बारे में। डांस वर्ब है यहाँ पर, इससे क्रिया का पता चल रहा है कि कुछ काम हुआ है डांस, ठीक है ना। एक काम हुआ है डांस के रूप में, एक एक्शन हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? ये देखिए, फर्स्ट वाला येट और स्टिल, ये दोनों ही टाइम के एडवर्ब हैं, इनसे टाइम का पता चलता है, ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं। पर दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? गेट इज़ यूज्ड टू रिफर टू समथिंग दैट अ पर्सन इज़ वेटिंग फॉर एंड एक्सपेक्टिंग टू हैपन बट इट हैज़ नॉट हैपेंड टिल नाउ। तो येट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? येट का मतलब क्या है बेसिकली? येट का मतलब होता है अब, हिंदी में तो अब मतलब होता है वह अभी तक नहीं आया, राइट? अब तक नहीं आया, तो यहाँ पे येट का इस्तेमाल हुआ। सो येट इज़ यूज्ड टू रिफर टू समथिंग दैट अ पर्सन
जो पर्सन वेट कर रहा है कि यार कोई काम होना है, ये चीज़ होनी है बट अभी तक हुई नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि होगी लेकिन हुई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा वेट कर रहा है कि बारिश होनी है पर वो बारिश अभी तक हुई नहीं है, तो वहाँ उस सेंटेंस में येट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल भी है, इट हैज़ नॉट रेन्ड येट, तो इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा कि अब तक बारिश नहीं हुई है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बारिश होगी, वेट कर रहा है कि बारिश होगी मगर अब तक बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे येट का इस्तेमाल हुआ। और स्टिल का क्या मतलब है? स्टिल का मतलब है कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। फर्स्ट एग्जांपल, इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट्स स्टिल रेनिंग यानी कि अभी भी बारिश हो रही है, पास्ट में बारिश शुरू हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है। और इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, अगर आप उसको याद कर लें तो बेहतर, कि जो येट होता है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जहाँ पे नॉट आता है, नो आता है, इस तरह के नकारात्मक वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है, या इंट्रोगेटिव मतलब कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन मार्क आया हो जिस सेंटेंस के एंड में, वहाँ यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड ये जो स्टिल है ये एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, और जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एल्स और बट, ये नेक्स्ट है हमारा, एल्स और बट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एल्स के साथ हमेशा बट यूज़ होगा। एल्स आया जिस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में, तो जहाँ पे बट नेक्स्ट पार्ट में बट का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे देन का इस्तेमाल करते हैं, एल्स देन, वो गलत यूसेज है। एल्स के साथ बट का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देखिए, इट्स नथिंग एल्स बट प्राइड, ये एक सही सेंटेंस है, ठीक है। इट्स नथिंग एल्स बट प्राइड। और ये वाला सेंटेंस देखिए, सेकंड वाला, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, देन का इस्तेमाल नहीं होगा जैसे कि मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे बट का इस्तेमाल होगा, ये गलत सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज़ नथिंग एल्स बट एन इडियट, ये सही सेंटेंस है। ही इज़ नथिंग, एक मिनट, ही इज़ नथिंग एल्स देन एन इडियट, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। सो एल्स के साथ हमेशा बट आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करेंगे कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे और वहाँ पे दे देंगे ही इज़ नथिंग एल्स देन एन इडियट, तो आपसे पूछा जाएगा कि यार कौन से सेंटेंस में एरर है, आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें एरर है, एरर जिस पार्ट में है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको आंसर में देना होगा, लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट, लेटली या रिसेंटली, तो क्या फ़र्क है दोनों में, लेटली और रिसेंटली में? लेटली का मतलब होता है देर से, राइट। ही केम स्कूल लेट, वह स्कूल देर से आया। तो ये लेट जो है ये एक चीज़ है, और लेटली और जो रिसेंटली है ये एक ही चीज़ को रिफ़र किया जा रहा है। रिसेंटली का मतलब ही होता है लेटली, माने कि दोनों का मतलब क्या है, हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, अभी कुछ देर पहले ही है, कुछ समय पहले ही ऐसा कुछ हुआ है, हम बोलते हैं ना रिसेंटली, यार अभी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, या रिसेंटली मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, तो ये होता है हाल ही में। तो लेट का तो पता ही है सबको, लेट तो सबको मालूम है, लेकिन लेटली का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं या रिसेंटली का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ कम स्कूल लेटली, हिंदी में इसका अनुवाद होगा वह हाल ही में स्कूल आया है, राइट। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट इज हार्ड एंड हार्डली। अभी हार्ड का मतलब होता है, इस केस में हार्ड का मतलब है हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड। ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, यानी कि वो सक्सेस सफलता के लिए मेहनत करता है। और जो हार्डली है यह एग्जैक्टली इसका अपोजिट मीनिंग देता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही हार्डली वर्क्स टू सक्सीड, यानी कि यह वह
विरले ही मेहनत करता है, बहुत कम मेहनत करता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर मेहनत करता है। इसका मतलब है कि वो ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर मेहनत करता है। जहाँ पहले वाले सेंटेंस में वो मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, यहाँ पे ही हार्डली वर्क्स सक्सीड। जैसे बोलते हैं ना, ही हार्डली टॉक्स विथ मी, यानी कि वो बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बात करता है, ना अमूमन ही मुझसे बात करता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटली एंड शॉर्टली। प्रेजेंटली का मतलब क्या है? प्रेजेंटली का मतलब है करंटली, इस समय जब हम बात कर रहे हैं ना, एट द मोमेंट, इस समय प्रेजेंट में। और शॉर्टली का मतलब क्या है? कुछ देर में, कुछ ही समय में, सून, विदाउट एनी फर्दर डिले, कुछ ही देर में। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ एट द कंस्ट्रक्शन साइट प्रेजेंटली, यानी कि वह अभी प्रेजेंट में कंस्ट्रक्शन साइट में है। ओके, गॉट इट। और दूसरा वाला देखते हैं, द हेडमास्टर विल एड्रेस द असेंबली शॉर्टली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हेडमास्टर जो हैं वो असेंबली को थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगे, कुछ ही देर में। द हेडमास्टर विल एड्रेस द असेंबली शॉर्टली, मतलब कि हेडमास्टर असेंबली को थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगे, थोड़ी देर में। शॉर्टली का मतलब है कि थोड़ी ही देर में, मैं कुछ ये काम कुछ ही देर में हो जाएगा, इसका मतलब है। नेक्स्ट इज मच एंड वेरी। मच जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं होता है, मच कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल फर्स्ट। जिमी इज मच इंटेलिजेंट देन वरुण। ये सही सेंटेंस है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो जिमी इज मच इंटेलिजेंट देन वरुण, तो जिमी और वरुण में एक कंपैरिजन हो रहा है कि जिमी जो है वरुण से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, जो आप सेकंड लाइन देख रहे हैं, सेकंड लाइन देखिए, मच इस जो कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंसेस जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा हो वहाँ पे यूज़ होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले। सो जिमी इज मच इंटेलिजेंट देन वरुण, ये सही है। और वेरी कहाँ यूज़ होता है? वेरी इज़ यूज इन पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस, यहाँ पे कंपैरिजन और अब आ नहीं यूज़ होगा। वेरी इज़ यूज विद एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ यूज़ होगा इन पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस में। जैसे हमने यहाँ पे बोला जिमी इज़ वेरी इंटेलिजेंट देन वरुण, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कि ये गलत है, ये सेंटेंस क्यों? क्योंकि ये एक कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा वहाँ पर वेरी का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे मच का इस्तेमाल होगा। मच जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंसेस में यूज़ होता है उसका, और वेरी का इस्तेमाल जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस में होता है। क्लियर? देखिए ये एग्जांपल, देखिए ये वेरी का एग्जांपल है, जो फर्स्ट लाइन है ये वेरी का एग्जांपल है, ही इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग। ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है। गुड, गुड क्या होता है? अगर हम गुड सेंटेंस, ये देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड जो होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, बेटर के बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, राइट? सबको पता होगा। और बेस्ट जो होता है थर्ड पार्ट, उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो पॉजिटिव डिग्री है, राइट? स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यह इस एग्जांपल पे हम वापस आते हैं। ही इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग, यहाँ पे गुड का इस्तेमाल हुआ जो कि एक पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, राइट? ही इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग, तो इसलिए वेरी का इस्तेमाल हुआ है।
तो ये जो हमारा था ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। सेकंड पार्ट जो है वो इनफ से स्टार्ट है, यूज़ ऑफ इनफ, ठीक है ना। तो वो उसका लिंक है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वो नेविगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके थ्रू यू कैन गो थ्रू दैट। और बिफोर लीविंग आई वॉन्ट टू से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। ओके, थैंक्स।